आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। और इसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको हज़ारों, मुझे लगता है लाखों वीडियोस मिल जाएंगे सेल्फ हेल्प वाले और मोटिवेशनल गुरु लोगों के कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग टाइम को कभी नहीं मैनेज कर सकते, उसकी अपनी एक कॉन्स्टेंट स्पीड होती है। तो हम लोग आज बात करेंगे कि दरअसल टाइम मैनेजमेंट नहीं होता बल्कि कुछ और होता है। जब भी कोई काम किया जाता है तो उसको नापने की एक यूनिट होती है और इसे बोलते हैं मैन आवर। यानी कि 10 लोगों ने 10 घंटे में अगर एक दीवार खड़ी की है और 9 लोगों ने 11 घंटे में एक कुआं खोदा है तो किसने काम ज़्यादा किया। तो मैन को आवर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो एक सिंगल यूनिट आती है उसे मैन आवर बोलते हैं। ये होता है बराबर वर्क डन के। जैसे कि 9 लोगों ने 11 दिन में काम किया है तो 99 मैन आवर हुआ, लेकिन 10 लोगों ने 10 दिन में काम किया है तो 100 मैन आवर हुआ, तो 100 मैन आवर ज़्यादा है। अब इस फॉर्मूला में वर्क इज इक्वल टू मैन इनटू आवर तीन चीज़ें हैं। एक है वर्क, दूसरा है मैन या पर्सन या जो लोग काम कर रहे हैं, और तीसरा है टाइम। और इन तीनों में कांस्टेंट क्या है? टाइम, उसकी अपनी एक स्पीड होती है। एक घंटे में 60 मिनट ही रहेंगे, घड़ी हमेशा अपनी स्पीड से चलेगी, एक दिन में 24 घंटे ही रहेंगे। इससे आप मैनेज नहीं कर सकते, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप चेंज क्या कर सकते हैं? दो चीज़ें। अगर आपका दिन भर में बहुत सारा काम छूट जाता है और कंप्लीट नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि आपने वर्क ही ज़्यादा लिया हुआ है हाथ में, उसे कम करने की कोशिश कीजिए, अननेसेसरी वर्क को कट कीजिए। और दूसरा चीज़ है पर्सन। अगर आप दिन भर में बहुत सारा काम छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि अकेले आप उतना काम नहीं कर सकते। तो या तो उस काम को कम कर लीजिए या अपने साथ किसी को ज्वाइन कीजिए, दो लोग मिलकर के उस काम को कम समय में पूरा कर पाएंगे। तो वास्तव में टाइम मैनेजमेंट दरअसल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। हमें लोगों को मैनेज करना होता है और मैनेजमेंट बेसिकली होता ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, लोगों का मैनेजमेंट। वरना दुनिया में अगर कोई भी ना हो, आप अकेले इंसान हो तो आप किसे मैनेज करेंगे? तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, चाहे IIM हो, चाहे छोटे लेवल पे आपको घर में या अपने छोटे से वर्क प्लेस में कुछ मैनेज करना हो, तो दरअसल आप मैनेज कर रहे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सही लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ और तब काम आपका जो है वो ज़्यादा कर पाते हैं, आपके काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। वहीं अगर आप ये सोचें कि नहीं हम वक्त को मैनेज करेंगे तो कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वक्त की अपनी स्पीड होती है। तो ये फॉर्मूला है वर्क डन का, मैन इनटू टाइम। मेरे एक मित्र हैं और उनके पास दिन भर में 1000 पेशेंट्स आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी फीस बढ़ा लीजिए, इतना ज़्यादा काम अपने हाथ में क्यों रखा है, काम को कम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पैसे बढ़ा लूँगा तो गरीबों को कौन देखेगा। मैंने कहा ठीक बात है, लेकिन 1000 लोगों को देखने के लिए शायद आप 2 सेकेंड ही देखते हैं एक व्यक्ति को। उनकी क्लिनिक में कुछ ऐसा नज़ारा होता है जैसे कि आप वैष्णो देवी में दर्शन करने गए होंगे या तिरुपति बालाजी में गए होंगे। इधर से क्यू बना के जाइए, उधर से दर्शन करके निकल आइए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता और पेशेंट बाहर आ जाता है। डॉक्टर ठीक से देख नहीं पाता, ऐसा पेशेंट को लगता है, हालांकि वो इतने एक्सपर्ट हैं कि देखते ही पहचान जाते हैं और बहुत जल्दी दवाइयाँ भी लिख देते हैं, 1-2 नेसेसरी दवाइयाँ जितनी चाहिए होती हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप पैसे नहीं बढ़ा सकते तो आप ये तो कर सकते हैं कि कम से कम 5 मिनट ठीक से पेशेंट को देखिए। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मैं करूँगा तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मैं 12 पेशेंट देख पाऊँगा। और दिन भर में मैंने 6 घंटे काम किया तो 60-70 से ज़्यादा नहीं देख पाऊँगा। तो जो लोग बहुत नीडी हैं शायद उनका नंबर 15 या 20 दिन बाद आए, तो मुझे आज ही देखना भी है और मुझे सबको देखना भी है, तो मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ। तो हम लोगों के पास इस तरह के बहुत सारे मुश्किल चीज़ें होती हैं। अगर हम चाहें कि सबको थोड़ा ज़्यादा वक्त दें तो शायद आपका नंबर ही कई दिनों बाद आए, और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग उस दिन आते हैं उनमें से कुछ लोग अर्जेंट नीडी हो सकते हैं, इमरजेंसी वाले हो सकते हैं, उन सबको हम देख लें, तो बहुत सारे लोगों को हम बहुत कम टाइम दे पाएंगे। तो ये एक डिलेमा रहता है डॉक्टर के पास कि कैसे मैनेज करें चीज़ों को। इस मैनेजमेंट में हमने डॉक्टर तैलंग क्लिनिक में जो चीज़ की वो किया हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि अगर ज़्यादा डॉक्टर्स हों तो काम जल्दी हो पाएगा, अगर ज़्यादा लोग हो मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ देने के लिए तो काम जल्दी हो जाएगा, अगर ट्रीटमेंट बहुत सारे हो रहे हैं और उन सबको करने के लिए ज़्यादा लोग हों, वेल ट्रेंड स्टाफ जो है ज़्यादा हो तो काम जल्दी हो जाएगा। तो हमने चीज़ों को जल्दी करने के लिए और सभी की समस्या का समाधान करने के लिए ये वाला फैक्टर जो इस फॉर्मूला में है ह्यूमन रिसोर्स वाला, इसके ऊपर वर्क किया। जो वर्क वाला फॉर्मूला है वो भी हमारे लिए कॉन्स्टेंट है, उसे हम कम नहीं कर सकते।
कोई बहुत दूर से आया हुआ है, बहुत से लोग बिहार से, बहुत से लोग आउट ऑफ स्टेट आते हैं बहुत दूर से, वो लेट पहुंचते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अब हम आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अपना वर्क कम करना चाहते हैं, तो हमें तो देखना ही पड़ेगा। हो सकता है कि जो व्यक्ति आया हो बहुत दूर से आया हो और उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मुश्किलें हों, तो वर्क वाला फैक्टर हमारे लिए कॉन्स्टेंट है, टाइम वाला फैक्टर तो कॉन्स्टेंट है ही, एक दिन में उतने ही घंटे होते हैं, उतने घंटों में उतने ही मिनट होते हैं, और वक्त की अपनी एक रफ्तार होती है, तो हम एक सिर्फ एक ही चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, किस तरह से एक स्पेशलाइज टीम बनाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम जल्दी से जल्दी कर सकें और हर किसी तक अपनी सर्विसेज पहुँचा सकें।